सीवान जिले के मिर्चनगर थाना क्षेत्र के कन्हौरी गांव में घटित हुई घटना में एक आग में झुलसे हुए युवक की मौत अभी अभी पटना जाने के क्रम में हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलसी महिला का इलाज सीवान के सदर अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अहमद अली के देखरेख में जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आग से गंभीर रूप से झुलसी महिला के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मां की हालत को देख देख कर बिलख रहे हैं। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक आग से गंभीर रूप से झुलसे हुए युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना PNCH रेफर किया गया था, जहां रेफर के दौरान सिसई गांव के समीप उसकी मौत हो गई। इस मौत की सूचना जैसे ही लवारिस स्वमुक्ति समिति के सदस्य सह वरिष्ठ पत्रकार परवेज अख्तर को मिली तो वो तुरंत सीवान सदर अस्पताल पहुंचे तथा अपनी देखरेख में मृतक के शव को एम्बुलेंस से उतरवाकर सुरक्षित हालत में पोस्टमार्टम हेतु रखवाया। मृतक की पहचान यूपी के जालौन जिले की उरई गांव निवासी अंकित है। युवक का नाम रामू बताया जा रहा है। बता दें कि नगर थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक अखिलेश कुमार सिंह शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुटे हुए थे। मृतक का शव सदर अस्पताल में पड़ा हुआ है।